नमस्ते प्रणाम, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है मेरा सफर आपके साथ। मेरा नाम है कृष्णा और आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। हम सब भी ठीक है, मेरा पूरा परिवार ठीक है। तो आज है मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे सारी माताओं को, जो जो भी मम्मियाँ हैं या फिर जो जो भी एज अ मम्मी का किरदार निभाती किसी बच्चे की जिंदगी में, तो हैप्पी मदर्स डे आप सबको। और आज हम मदर्स डे है तो हम लोग भी बाहर जा रहे हैं, मम्मी के लिए थोड़ा बहुत कुछ गिफ्ट लेके आते हैं। वैसे तो गिफ्ट इट डजेंट मैटर, मम्मियों को गिफ्ट दो उनके लिए आप तभी भी सेम हो, नहीं दो तभी भी सेम हो, लेकिन चलो आज मदर्स डे है। वैसे अपनी मम्मियों को हमेशा स्पेशल फील करवाना चाहिए, लेकिन मदर्स डे पे तो खासकर करवा ही लो अगर आप बाकी दिन नहीं करते। जरूरी नहीं आप गिफ्ट लेके आओ, लेकिन हम चलो लेके आ रहे हैं, अगर आप ले आ सकते हो तो ले आना, है ना, बहुत अच्छी बात है। तो हम भी जा रहे हैं मम्मी के लिए कुछ गिफ्ट लेने के लिए, हमें पता नहीं अभी क्या लाना है। वैसे हमने सोचा था सूट लेके आए, लेकिन सूट यहाँ पे पहनने का ज्यादा मौका मिलता नहीं। तो चलो फिर चलते हैं, आज का दिन देखते हैं क्या क्या होता है, हम लोग क्या क्या लाते हैं, क्या क्या करते हैं, और हम भी देख लेंगे आगे क्या कुछ बनता है, क्योंकि अभी कोई प्लान तो है नहीं क्या लाना है। बाकी ये मेरी सिस्टर बैठी है और हम दोनों ही जा रहे हैं आज। बाकी मेरी दूसरी बहन है वो अपनी फ्रेंड के बर्थडे पे जा रखी है, भाई भी बिजी है तो वो भी नहीं हमारे साथ। तो हम दोनों ही देख लेंगे और सबकी तरफ से मम्मी के लिए कुछ लेके आएंगे। हम आ गए हैं मॉल की पार्किंग में और आज हमेशा की तरह फिर से काफ़ी हवा चल रही है, हम लोग अब अंदर जा रहे हैं। और ये रही मेरी बहन, आगे से अंदर जा रही है। काफ़ी बिजी है आज मॉल, क्योंकि आज सैटरडे है ना, वीकेंड, तो बिजी रहता है। बाकी अंदर भी बिजी होगा, लेकिन चलो हमने तो थोड़ा बहुत सामान लाना है। तो इसका प्राइस है $120। देखिए दोस्तों, आज मौसम ऐसा है, बाहर बादल ही बादल है हमेशा की तरह, सारे बादल, और काफ़ी अभी तो पार्किंग लॉट काफ़ी खाली दिख रहा है, लेकिन पहले काफ़ी भरा हुआ था। बाकी अंदर काफ़ी रश था इसलिए हम खा पी नहीं पाए, लेकिन बाहर आते ही फिर हमने थोड़ा सा सूप लिया है। मेरी बहन आइस कैप ली है, मैंने ये लिया है पेस्ट्री और आइस कॉफ़ी साथ में। बाकी अभी ये खा पी के एक आधी दुकान और जाना है और उसके बाद हम चले जाएंगे घर। हमने थोड़ा बहुत सामान जो ये पीछे रखा है, और अभी हम आए हैं एक दुकान में, थोड़ा बहुत डेकोरेशन का सामान लेंगे, बलून वगैरह, और फिर उसके बाद जाएंगे हम केक लेने। लेकिन केक में भी हम सोच रहे हैं कि हम बाहर से लें या घर पे बनाएं। जो मेरी छोटी वाली बहन है वो बहुत अच्छा केक बनाती है, तो अब हम सोच रहे हैं कि घर पे बनाएं, क्योंकि अच्छा बनाती है वो, बहुत अच्छा। तो देखते हैं, क्योंकि बाहर का बनाया हुआ इन्होंने बहुत टाइम से बना के रखे होते हैं, है ना, तो उसे लेने से अच्छा तो घर में फ्रेश फ्रेश बना लो। वैसे भी मदर्स डे कल है, हम केक अगर आज रात को भी काटेंगे या कल भी काटेंगे तो बहुत टाइम है हमारे पास अभी। तो देखते हैं जो भी होगा आपको दिखाते हैं, फिलहाल तो चलते हैं बाहर। चल भाई, ये देखो अभी हवा अभी भी चली गई है बाहर, और आ जा। हेलो दोस्तों, तो आज है दूसरा दिन, आज है एक्चुअल में मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे सब माताओं को, जो मम्मियां नहीं भी हैं उनको, सारी दुनिया को हैप्पी मदर्स डे। और ये साथ में है हमारी मम्मी आज। नमस्ते, सब बच्चों को देख हैप्पी मदर्स डे, और सब लोग खुशियाँ से सब लोग को देख, और थैंक यू सो मच सब लोग को देख, वीडियो देखना भी और अब भी देखो ला। हाँ जी, तो आज मदर्स डे हमने केक घर पे बनाया है, जैसे मैंने बताया था ना आपको, हम लोग कंफ्यूज हैं कि घर पे बनाएं या बाहर बनाएं। तो फिर मेरी बहन काफी अच्छा केक बनाती है, तो हमने घर पे ही बनाया। अभी वो कैंडल लगा रही है और अब हम केक कट करके फिर हम लोग चले जाएंगे बाहर। बाकी हम तीनों बहने ही हैं आज, भाई हमारा कहीं ऑफिस ट्रिप पे, उनके सारे वो लोग घूमने जा रखे हैं, तो वो जा रखे हैं, तो वो जब आएगा फिर से सेलिब्रेट कर लेंगे। वैसे तो एक दिन क्या मदर्स डे, रोज ही मदर्स डे होता है, लेकिन चलो आज स्पेशल डे है तो हमने सोचा चलो बाहर घूमी शुमी करें और मम्मी को भी ले चले साथ में, बस केक कट करने लगे हैं। आज मौसम से चार बेजेस, हाँ दोस्तों, ये जो केक है ये हमने बनाया है घर पे, और मेरी बहन ने कैसे कैंडल रखी सारी इकट्ठी इकट्ठी, हम वही देख के हंस रहे थे। बाकी अब मम्मी केक कट करने लगी हैं, और जशोदा ना नीचे, हाँ उसको भी बुलाओ और फिर हम चलते हैं। तो देखो कितना सुंदर प्यारा सा केक बनाया है घर पे। हैप्पी मदर्स डे टू मम्मी, हैप्पी मदर्स डे टू मम्मी, हैप्पी मदर्स डे टू मम्मी, Happy Mother's Day to me. केक तो इधर तो जा रहा है। बाकी दोस्तों हमारे यहाँ कैंडल बुझाते नहीं, इसलिए हम बुझा नहीं रहे, बस निकाल के साइड में रख देंगे। और बाकी मम्मी हैप्पी मदर्स डे, थैंक यू थैंक यू। सब कुछ देखो,
थैंक यू। ताजा ताजा केक। तो ये देखिए दोस्तों, ऐसे बना था केक और काफी अच्छा बना था। तो अब हम लोग बाहर जा रहे सारे, और सारे तैयार हो गए, चलो चलते हैं। दोस्तों अभी हमारा प्लान बना, हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे मेला लगा हुआ एक यहाँ पर, वो हर साल लगता है गर्मियों में, हम जा रहे हैं मेला देखने। ये मेरी बहन बैठी है साथ में और ये मम्मी पीछे बैठी हैं। तो हम मेला देखने जा रहे हैं पहले, फिर कहीं जाएंगे, तो साथ में आपको भी ले चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं यहाँ पे मेला कैसा होता है। तो चलो चलिए। जशोदा उधर दरवाजा खुला है बाहर। तो ये लो दोस्तों, हम अभी पार्किंग लॉट में आ गए हैं। सामने देखिए वो आपको झूला दिख रहा होगा, अपनी लड़की आपको जूम करके दिखाएगी थोड़ा सा। और अब हम मेला देखने आ गए हैं। यहाँ पर छोटा सा मेला लगता है, ये वाला मेला ना हर जगह जगह मूव होता रहता है पूरे गर्मियों में, कभी इस वाली पार्किंग लॉट में, कभी किस वाली पार्किंग लॉट में। तो इस बार यहाँ लगा है, तो थोड़ा अब देखते हैं चल के। हम वैसे तो हम में से सभी डरते ही हैं झूले मतलब राइड्स लेने से, लेकिन देखते हैं अगर किसी ने ली तो ले लेंगे, अदरवाइज अंदर तो हम चले ही जाएंगे और देखेंगे थोड़ा बहुत कुछ खाने पीने के लिए वो खाएंगे और साथ में आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर मेला कैसे होता है। तो अभी पहले तो पार्किंग ढूंढते हैं, यहाँ नज़दीक पार्किंग नहीं मिलनी क्योंकि आज मेले की करके है ना। देखो लड़कियों है कोई गाड़ी खाली कहीं पे, देखो चलो कोई ना, थोड़ा सा दूर लगा लेंगे, दूर तो होगी नज़दीक नहीं होगी तक, नहीं वो तो उनकी है, थोड़ा सा आगे ढूंढ लेते हैं कोई ना। और अभी देखो सारी गाड़ियों, वैसे आज यहाँ पे संडे है और साथ मदर्स डे भी है, तो इस करके भी नहीं पार्किंग लॉट होनी। बाकी यहाँ पर एक तो जगह है, यहीं पे लगा लेते हैं, खाली ही है शायद, आई गेस। ऐसे ये हम जा रहे हैं अंदर, ये आ रही हैं मम्मी और मेरी दोनों बहनें जा रही हैं आगे मेले की तरफ। तो ये लगा है यहाँ से मेला, एंट्री भी इधर से ही है शायद। देखिए यहाँ से होता है मेला शुरू, ये वाला झूला, क्या बोलते हैं इसको, इस झूले को क्या बोलते हैं, पेरिस पता नहीं कोई भी सा। और ये सारे झूले यहाँ पे, जनता भी इतनी नहीं है, शाम को ज़्यादा हो जाएगी है ना। देखिए दोस्तों ये कितना मज़ेदार है, वैसे इससे गिरते नहीं है, इसमें ऐसे चिपका हुआ रहता है इंसान। बाकी ये रुके हुए अभी बहन को जाना है इस वाले व्हील में ऊपर, तो बाकी मम्मी और दूसरी बहन तो डर रहे हैं, तो फिर हम दोनों ही जाएंगे। अभी मैं लाइन टिकट की लाइन में खड़ी हो रही हूँ, लाइन लगी है। बाकी ये रही सोनिया, हाजिर सोनिया और मैं इस पे जाने लगे हैं, हम अभी लाइन में खड़े हैं, आगे काफ़ी लंबी लाइन लगी है। सोनिया डर लग रहा डरती है ये, लेकिन इसको जाना भी है, और मुझे तो इतना जाने का शौक नहीं है, लेकिन ये जा रही है और इसको अकेले डर लगता है, तो इसलिए मैं भी जा रही हूँ। तो अभी ऊपर चलते हैं, लाइन है, धूप है आज थोड़ी सी, लेकिन ठीक है, इतना बुरा भी नहीं है मौसम। बाकी इतनी सारी राइड्स नहीं है यहाँ पर, थोड़ी थोड़ी है, और लोग भी अभी ज़्यादा नहीं, शाम तक ज़्यादा आएंगे, क्योंकि वो है ना भी बच्चे, देखो बच्चे चलाते रहते हैं, कहाँ चला, अच्छा ऊपर से ये पूरी 360 जाती है। हाँ मेरी तो आत्मा ही निकल जाए अगर मैं ऐसी राइड में जाऊँ, मुझे बड़ा डर लगता है। छोटी छोटी राइड्स हैं यहाँ पे, छोटा सा ही मेला है, बाकी और भी बड़े बड़े मेले लगते हैं, देखो कैसे आवाज़ आ जाती है। इस बारी की हमारी बारी नहीं आई, हम अभी भी वेट कर रहे हैं और ये लाइन में लगे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हम दोनों आ गए हैं इसके ऊपर, अब हमें डर लग रहा है। तो ये देखिए, ये नीचे वही लाइन लगी है जिस झूले पर हम बैठे हैं, और ये बाकी की जनता झूले झूल रही है। ज़्यादा बड़ा नहीं है ये मेला, छोटा सा ही है, कॉलोनी के बीच में है देखो। और फोन मत छोड़ना है, मैं अपनी बहन को बोल रही हूँ फोन मत छोड़ना। और अभी हमने ये डर रही है, देखो अब डर रही है, पहले तो ये चलो चलो चलो, देखो हम सबसे ज्यादा टॉप में हैं अभी। बाबा मुझे तो डर लग रहा आंख बंद रखे
ज्यादा हिल मत, हमको मत कर ऐसे, बाकी सारी हम सब मत कर झोले में आना था, अब इसके आत्मा हाथ में आता डर तो लग रहा है। बाकी ये पीछे रोड है, मेन रोड, और यहाँ अंदर पार्किंग लॉट में जो लगता है, और हम लोग बैठे हैं, हम लोग हमारा नीचे वेट कर रहे हैं। पकड़ मत, ये तो पकड़ के ही रख, या फिर छोड़ ही दे, एकदम से मत छोड़ना, फोन गिर जाएगा हाथ, हाथ पकड़ ले कोई ना। नीचे देख के डर लग रहा है। देखिए दोस्तों, ये लाइन में लगे हैं लोग ऊपर आने को, और हम हैं ऑलरेडी ऊपर, ये मम्मी लोग नीचे बैठे हैं, ये लोग नहीं आए, उनको डर लगता है। राइड्स इंडिया में भी होती है, सारी लोगों के छोटे छोटे बच्चे राइड ले रहे हैं यहाँ पर गेम खेलने का। खैर मैं तो कभी नहीं जीती इसमें, एक बार जीती थी मैं बड़ा सा डैडी। ओ हो, इसकी स्पीड तो देखो, इसकी स्पीड है, हमको इसमें चलना है नहीं। ये बड़े डरावना, मजा भी आ रहा है। मम्मी चल रहे इसमें, चलना आप इसमें, हाँ। मम्मी किसी भी झूले में नहीं जाते, मम्मी बोलते नीचे से, नीचे से देख लूंगी मैं, ऊपर नहीं जाऊंगी। खाने पीने की दुकान है, पिज्जा पुज्जा और ये डोनट्स वगैरह रखे हैं इन्होंने यहाँ पर, क्या मम्मी बोले, ऐसा लग रहा है जैसे घंटा घर नहीं है, थोड़ा छोटा सा ही है ये, और इतना बड़ा नहीं है, बाकी इधर मिला है। और तो ये देखो, मम्मी ने कहा पॉपकॉर्न लेके आ, तो मम्मी के लिए पॉपकॉर्न लेके आई हूँ, और मम्मी को ये पॉपकॉर्न अच्छे लगते हैं। हाँ, नमकीन से पॉपकॉर्न होते हैं, तो कुछ पीने के लिए लेते हैं, लेमनेड वगैरह है ना। बाकी ये छोटे छोटे बच्चों के बलून वगैरह की दुकान पीने आए हैं, यहाँ पे ले रहे हैं हॉट डॉग और पुडिंग, बाकी थोड़ा पीने के लिए लेंगे, इसके बाद हमने डिनर करने तो जाना ही है ना मम्मी, मैं कहा डिनर करने तो जाना ही है फिर जल्दी, क्योंकि कितना रुक लेंगे यहाँ, छोटा ही है ये, है ना, तो फिर हम लोग चले जाएंगे, तो फिर थोड़ा बहुत मम्मी पॉपकॉर्न खा लेंगे। यह हमने मेले से खाने को, अभी हमने यहाँ से जाना ही है इसलिए थोड़ा बहुत लिया, अब ये खा के थोड़ा मेला घूम के फिर हम लोग डिनर करने चलते हैं। मौसम है गरम गरम, तो इन्होंने लिए है ये ऑरेंज, ये बर्फ से और थोड़ा बहुत ऑरेंज का फ्लेवर ही मिला रखा होता है, आई डोंट थिंक सो। मम्मी बोली जैसे हुलना का थलू, इधर से आ जाओ उधर, फुलना का थलू लग रहा मम्मी को, फुलना का थलू हमारे यहाँ मेला होता है वो, तो पीते हैं। ये तो बस ऐसा लग रहा मीठा सिरप, अच्छा नहीं है ऑरेंज, मेरे को लगा ऑरेंज है वो, मुझे तो गाइस वो अच्छा नहीं था, वो बस ऑरेंज फ्लेवर था, बाकी ये देखो छोटे छोटे बच्चों की गाड़ियों में खेल रहे, और हम अब घर की तरफ, घर की नहीं वो डिनर करने चलते हैं, डिनर का हाँ बज गए, छः तो बज गए, तो अब हम जा रहे हैं अंदर, अंदर नहीं अपनी गाड़ी की तरफ, मैं पॉपकॉर्न खा रही हूँ, मम्मी खा रही है पॉपकॉर्न, ये भी तो मॉल मचम बजाना गड़िया ता जाना बा खाना खाना है, तो सुखा है ना, हाँ अब तो बहुत टाइम छ। तो दोस्तों हम, ये मेरी बहन यहाँ पे मॉल है, तो हम लोग मॉल के अंदर जा रही है, देखा सामने शीशे में दिख रहे ना, तो वो दोनों चले गए अंदर, हम दोनों अब जा रहे हैं, हम तो उनका गाड़ी में वेट कर रहे थे लेकिन वो अंदर चले गए, और धूप पड़ रही है आँखों में, मम्मी आज एक धूप का चश्मा ले ही लेंगे, कब तक ये आंखें बंद करके चलना है। मेरा ना वो सनग्लासेस पहले गाड़ी में रह गए थे, तो
वो गाड़ी में ही रह गए, तो अब सन ग्लासेस लेने पड़ेंगे क्योंकि ड्राइव करते हुए भी दिक्कत आती है और ऐसे धूप में चलने से भी। हाँ हाँ, काफ़ी चमक है धूप की। तो ये देखिए यहाँ है पीछे, किधर गया मेला, किधर गया मेला, उधर में इसी पार्किंग में मेला लगा है और जो हम सन ग्लासेस ट्राई करा रहे और क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम आते हैं वॉक करने के लिए। कि कैसा लग रहा है मम्मी पे? मेरे को तो मम्मी पे तो सब कुछ अच्छा लगता है, मम्मी का कलर गोरा है ना। बाकी देखते हैं कौन सा लेना है। देखिए गाइस, अब हम कुछ खाने पीने आ रखे हैं, ऑर्डर देख रहे हैं अभी यहाँ के मेन्यू कि क्या कुछ ऑर्डर करते हैं। बाकी ये लोग अपना सर्च भी कर रहे हैं। सर्च क्या कर रहे हैं? दोस्तों आ गया हमारा खाना, हमने ज़्यादा नहीं मंगाया, बस कढ़ाई चिकन और बिरयानी, चिकन बिरयानी, नान मंगाए और बाकी ड्रिंक्स में मैंने लस्सी मंगाई थी, मम्मी ने कोक मंगाई और अब हम खाने लगे हैं। ज़्यादा भूख नहीं है क्योंकि हम मेले से भी थोड़ा बहुत खा के आए थे। देखिए दोस्तों, फिर हम लोग आए यहाँ अपने मैगडी में, अपने मैगडी मतलब किसी और का मैगडी, पहले हम यहाँ काम करते थे, मैंने यहाँ 5-4 साल काम किया पहले, तो हम ले थे आइसक्रीम कोन और मुझे काफ़ी वो हो गया, मेरा वॉलेट ले लिया। वो नहीं महसूस होता जब तुम पुरानी जगह पे आते हो और आपको वही सब याद आता है। तो अब ये हमारी फ्रेंड है आ गई ये गाड़ी तक जा रही थी आइसक्रीम लेके, हमने आइसक्रीम ली है सबने। तो ये बोल रहे थे कि मैं आंटी जी और यशोदा से मिलती हूँ क्योंकि वो गाड़ी में बैठे हैं। मौसम आज ऐसा है। ये मेरी सिस्टर, हमने 3 आइसक्रीम कोन लिए क्योंकि मैं ज़्यादा मीठा खाती नहीं, तो इन दोनों तीनों के लिए। गाड़ी खोल। नमस्ते आंटी जी। ये मम्मी है। अरे मेरी सिस्टर बैठी है। खोलो, खोलने गाड़ी। ये वाला आइसक्रीम कौन मम्मी का है? मम्मी को ये वाली आइसक्रीम बड़ी पसंद है। पहले हम लोग घंटा घर में खाया करते थे मम्मी और मैं ये वाली आइसक्रीम, और अब यहाँ